ऑप्शनल लाइन भी दे दो। ऑप्शनल सर मैं साथ नहीं जाऊंगी इनके जा और लास्ट लाइन हो गई डायरेक्ट निकलना ऑप्शन पे निकलने से ना Thank you.
जैसे कि मेरे दर्शकों को पता होगा, हमारी 2 साल की एनिवर्सरी पार्टी ख़त्म हुई है और मैं ऊपर विक्रांत के पास आई हूँ माँ को उनके कमरे तक पहुँचा के। और यहाँ पर हमारे ऑडियंस को पहली बार पता चलेगा कि मैं सिमर हूँ। ये राज मेरे और विक्रांत के बीच में है और विक्रांत ये बात जानते हैं कि मैं सिमर हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग हूँ क्योंकि कुछ कमिटमेंट हुई है हम दोनों के बीच में। जैसा कि इस सीन में बहुत क्लियरली विक्रांत ने मुझसे पूछा कि इस राज को राजी रखिएगा, और मैंने भी उन्हें कहा कि जब तक आप अपने वादे पर कायम रहेंगे मैं अपना ये राज अब हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तो इससे ये हिंट मिलता है कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है और किसी मजबूरी से मैं यहाँ हूँ। और नीचे जो बुआ के साथ सीन गया उसमें भी मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ अपनी भारद्वाज फैमिली को याद करके। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं सिमर है मेरे अंदर, है जाहिर सी बात है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये आपको कुछ समय में पता चलेगा।
जाहिर सी बात है 3 साल जहाँ बिताए हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और वो सिमर का घर है, वो सिमर का ससुराल है, तो मैं डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने सर को। मैं सबसे ज़्यादा अपनी एमजे मैम को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, हम दोनों रूम शेयर किया करते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा कमी उनकी महसूस हो रही है। फिलहाल तो शूट से फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत मिलेगी तो जरूर कुछ ना कुछ प्लान करूंगी। वेकेशन में क्या है? कुछ वेकेशन प्लान किया था? वेकेशन किस चीज का? हम लोग को आपके सामने आना है तो कोई वेकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता।